Hey guys, so this is your boy Binavin Ashraf. Here I am back to with another interesting video, interesting part of your mechanical engineering section. Okay, तो यार इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तीन ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए. मैकेनिकल इंजीनियर्स शुड डू दिस कोर्सेज इन ड्यूरेशन ऑफ देयर डिग्री. ओके, तो यार देखो सबसे पहले कोर्सेज के आते हैं हमारे कैड कैम. तो कैड कैम क्या है भाई? तो कैड तो हम जानते हैं कि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स को हम सीख रहे होते हैं कैड में, ऑटो कैड, प्रो ई, सॉलिड वर्क्स. तो ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पे यार आप जब डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हो, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को सीख रहे हो, तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की अप्रोचेस जो भी आपने सीखी वहाँ पे वो लग रहा होता है उसके अंदर. मशीन डिज़ाइन वगैरह पढ़ना पड़ता है इसके लिए. तो ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, प्रो ई, क्रियो, एनसिस वगैरह आपको सीखनी चाहिए. ये सब बहुत ही अच्छी टेक्निकल कोर्स है जो कि आप सीख के अच्छे पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो. उसके बाद आपकी जॉब लेने की सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाती है. ओके, सेकंड में आता है हमारा सीएनसी माइलिंग एंड प्रोग्रामिंग. सीएनसी माइलिंग क्या होता है? सीएनसी माइलिंग एंड टर्निंग. ओके, तो सीएनसी माइलिंग यार सीएनसी मशीन पे जब हम काम कर रहे होते हैं, सीएनसी एक मशीन होती है, सीएनसी मशीन पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे माइलिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस हम पढ़ते भी हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सब्जेक्ट में अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल जब हम ट्रूली उसमें माइलिंग करने जाते हैं, मशीन पे माइलिंग करते हैं, लेथ मशीन पे माइलिंग करते हैं, तो वो सीएनसी माइलिंग आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो कि 6 महीना की ट्रेनिंग होती है. वहाँ पे आप उस ट्रेनिंग को करने के बाद उस पे आप ऑपरेटर बन सकते हो, उसकी स्पेसिफिक जॉब आपको मिल सकती है. तो सीएनसी माइलिंग एंड टर्निंग ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है. 6 महीना, साल भर का कोर्स होता है ये. इसको करने के बाद आप बहुत अच्छी ग्रैब इस फील्ड में आप नॉलेज को ग्रैब कर सकते हो और जॉब भी ले सकते हो. थर्ड वन इज़ सीएनसी प्रोग्रामिंग. तो यार ये प्रोग्रामिंग सुनने के बाद लगता है कि हम कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम की बात करें, बट ये नहीं, ये प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग नहीं है. ये सीएनसी प्रोग्रामिंग वो है जो हम सीएनसी मशीन पे काम कर रहे होते हैं. एक तो होता है ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा होता है, एक होता है कि ऑपरेशन होल्डर, तो जो ऑपरेशन को होल्ड कर रहा होता है. ओके, तो ऑपरेशन होल्डर और ऑपरेटर के अंदर ये डिफरेंस होते हैं कि ऑपरेटर सीएनसी प्रोग्रामिंग को जानता है, वो प्रोग्राम प्रोवाइड करता है. उस सीएनसी मशीन के अंदर प्रोग्राम डाली जाती है, उस प्रोग्राम के थ्रू वो मशीन जो है वर्क फंक्शन अपना करता है वहाँ पे ठीक है. जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं मशीन का, वो कमांड्स आपको वहाँ पर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. जैसे आपने उस कमांड को कर लिया, उसके बाद जब आप उस मशीन को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से आप बैठ के मशीन को अपने पीसी से अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड देंगे. उस कमांड जैसे आप कमांड देंगे, जिस तरीके का आपने मेजरमेंट वहाँ पे दिया, उस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन होल्डर जो है वहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करवाए के और आपको वो एक मटेरियल दे देगा, वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा ठीक है. तो ये तीन कोर्सेज था, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ. कैड सॉफ्टवेयर जो आते हैं हमारे, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, एनसिस, प्रो ई, है ना, क्रियो, तीस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये डिज़ाइनिंग पार्ट्स में आते हैं हमारे. दूसरा हमारा जो कि मैंने बताया सीएनसी माइलिंग एंड टर्निंग. तो सीएनसी माइलिंग एंड टर्निंग, जिस माइलिंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशंस के लिए आपको वो कुछ बेसिक नॉलेज तो होता ही है इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में, बट इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं सीएनसी माइलिंग एंड टर्निंग ट्रेनिंग. ओके, ये ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं. थर्ड वन मैंने बताया जो ऑपरेशन कर रहा होता है और जो ऑपरेटर होता है, इनमें ये डिफरेंस होते हैं कि जो ऑपरेशन कर रहा होता है वो सीएनसी माइलिंग एंड टर्निंग का कोर्स करके जाता है वहाँ पे, बट जो ऑपरेशन यहाँ से ऑपरेट कर रहा होता है वो पीसी के थ्रू कमांड दे रहा होता है, उसको कहते हैं सीएनसी प्रोग्रामर. तो आप सीएनसी प्रोग्रामर बनने के लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स जब कर लेंगे तो आप बन लेंगे. ओके, तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में. बहुत बाय, थैंक यू.